बदायूं नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही की वजह से प्राइवेट बस अड्डे की हालत बद से बदतर होती जा रही है। प्राइवेट बस अड्डे पर यात्रियों के लिए ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो वहीं बस अड्डे से डेली करीब 200 बसों का संचालन होता है। नगर पालिका प्रशासन 500 रुपये महीने के भी बस अड्डे से वसूलता है, लेकिन व्यवस्था बदहाल ही है। इस मामले में नगर पालिका के ईओ संजय तिवारी ने जब हमने बात की, तो उनका कहना था कि बस अड्डे पर नलों को ठीक कराने के लिए संबंधित विभाग को लिखा जा चुका है। बस अड्डे पर सफाई के लिए सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, बावजूद इस तरह की स्थिति बनी हुई है। जो पालिका प्रशासन है, जिसको कि हम 5,000 रुपए पर डे यानी कि 1.5 लाख रुपए महीना देते हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे व्यवस्था करे। लेकिन यहाँ पर ना तो पेयजल की कोई व्यवस्था है, 3 नल थे, तीनों खराब पड़े, और सफाई वाला कोई आता नहीं है। सफाई हम लोग पैसा देके खुद कराते हैं। शौचालय की हालत देख लीजिए आप, क्या हाल है। पानी की जो नल की बात आपने कही, वो तो जल निगम को लिस्ट दी जा चुकी है, जल निगम के द्वारा ही उनको रिपेयर होना है। और जहाँ तक शौचालय का सवाल है, शौचालय वहीं ठीक लगा हुआ, सुलभ का शौचालय है। हमारे जो रोडवेज के बस अड्डे पर सुलभ का शौचालय है, वो जो क्रियाशील शौचालय है, और सुलभ के द्वारा उसकी साफ सफाई व्यवस्थाएँ देखी जाती है, शौचालय बगल में ही उपलब्ध है। और नालियों की जो व्यवस्था है, उसको नालियाँ चूँकि वो ऐसी हैं कि वो टूटी हुई हैं, उनका नवनिर्माण करा जाएगा, तब वो जो है सुचारू रूप से उसमें जल प्रवाह हो पाएगा। और वहाँ पर प्राइवेट जो वाहन उधर पीछे की तरफ पार्क रहते हैं, और उनकी वजह से थोड़ा सा वो ढके रहते हैं, तो उसकी सफाई कराई जाएगी और बेहतर।